लोगों का इलाज करने वाला सीएचसी खुद हुआ बीमार। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला अस्पताल में है चारों तरफ गंदगी का अंबार। डॉक्टर रहते हैं अक्सर गायब। बाराबंकी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र की वरद हस्त प्राप्त त्रिवेदीगंज सीएचसी अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश कुरील की खाओ कमाऊ व भ्रष्ट नीति के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। जानकारी के अनुसार उक्त सीएचसी के अंतर्गत 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व लगभग 1 दर्जन से अधिक ANM सेंटर मात्र कागजी हाथ साबित हो रहे हैं। कहने को तो केंद्र पर 7 चिकित्सक व 2 संविदा चिकित्सक अधिकारी तैनात रहते हैं, परंतु उनकी कारगुजरिया कुछ और बयां कर रही है। किसी भी केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ का ना होना, दवाओं का अभाव व ग्रामीण स्वच्छता अभियान को ठीका दिखाते हुए सभी केंद्रों पर व्याप्त गंदगी शासन आदेश का खुला मखौला उड़ा रहे हैं। सीएचसी में दोपहर होते ही अधिकांश स्टाफ के अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर निवास न कर राजधानी लखनऊ के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं, जबकि नियमानुसार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बिना अनुमति के चिकित्सा अध्यक्ष सहित स्टॉप मुख्यालय नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन आदेश जारी कर अपने अपने मुख्यालयों पर रात्रि विश्राम करने के निर्देश भी दिए हैं। अन्य वार्डो की कौन कहे, इमरजेंसी सेवा वार्ड में बेड पर चादर तक मुनासिब नहीं है। रात्रि 2 बजे के बाद लाइट चली जाने पर पूरा चिकित्सालय परिसर अंधेरे की चपेट में आ जाता है। मौके पर उपलब्ध जनरेटर केवल शोपीस बनकर खड़ा रहता है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक के अनुमति के बिना जनरेटर नहीं चलाया जा सकता। प्रश्न यह उठता है कि जब चिकित्सक अधीक्षक सुबह 10 बजे CHC आते हैं और दोपहर बाद राजधानी के लिए कूच कर जाते हैं, तो जनरेटर चलाने की अनुमति प्रदान कौन करेगा। इमरजेंसी सेवा में एक ही चिकित्सक व फार्मिस्ट एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध रहता है। परिसर के अंदर भीतर भीषण गंदगी होने के कारण रात्रि में खुलेआम सांप बिच्छू घूमते नजर आते हैं। विगत कई माह पूर्व एक प्रसूता की जान सांप काटने से हो चुकी है, लेकिन कभी कोई हादसा होने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच के नाम पर लीपापोती करना और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही न करना उनके संलिप्तता का प्रतीक प्रकट कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत पोखरा के ग्राम मर्दापुर में रहस्यमयी बुखार का आतंक आज भी जारी है। 1 सप्ताह में बुखार से पीड़ित 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, किंतु जिम्मेदार है कौन, ये मौन सब मौन धारण किए हुए हैं। त्रिवेदीगंज बाराबंकी से रागिनी दुबे की रिपोर्ट।